नमस्कार, फोरसाइट टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। चांद को जब परमाणु बम से उड़ाने की योजना बनी, आइए जानते हैं एक खास रिपोर्ट। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चले शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच पहली बार अंतरिक्ष में जाने की होड़ रही। इस दौरान दोनों के बीच कुछ इस तरह की प्रतिस्पर्धा थी कि इस दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्हें सुनकर आज भी लोग डर जाते हैं। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ हर क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे, जिससे अंतरिक्ष भी अछूता नहीं रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की वायुसेना ने साल 1958 में एक टॉप सीक्रेट प्लान तैयार किया, जिसे ए स्टडी ऑफ लूनर रिसर्च फ्लाइट्स नाम दिया गया। इसे प्रोजेक्ट A119 के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य चांद पर परमाणु बम गिराना था, ताकि विज्ञान के विषयों प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोजियोलॉजी के कुछ रहस्यों से जुड़े जवाब मिल सके। साथ ही अमेरिका चाहता था कि इस कार्यक्रम को अंजाम देकर सोवियत संघ को अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ दे। अमेरिका ने परमाणु बम लूनर क्रिएटर के बजाय सतह पर गिराने की योजना बनाई थी, ताकि धरती से ही नंगी आंखों से उसकी चमकती रोशनी को देखा जा सके। ऐसा अमेरिका अपनी ताकत दिखाने और ये साबित करने के लिए करना चाहता था कि उसके पास कितना कुछ करने की क्षमता है। हालांकि सोवियत संघ अंतरिक्ष की दौड़ में अमेरिका के मुकाबले काफी आगे था और सोवियत भी इसी तरह के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। हालांकि ये प्रोजेक्ट भी कभी पूरा नहीं हुआ और इसे बाद में रद्द कर दिया गया। प्रोजेक्ट A119 को रद्द करने को लेकर वायुसेना के अधिकारियों ने कहा था कि इसके फायदों से ज्यादा जोखिम है। अगर इस प्रोजेक्ट पर काम होता है तो अंतरिक्ष पर सैन्य अड्डा भी बनाया जाता। सोवियत संघ भी ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसका नाम E4 था। हालांकि ये भी सफल नहीं हो सका। अमेरिका के इस प्रोजेक्ट के बारे में साल 2000 में नासा में पूर्व एग्जीक्यूटिव रहे लियोनार्ड रिफिल ने बताया था, जिन्होंने 1958 में प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया था। प्रोजेक्ट के पूरा नहीं होने के पीछे का एक अन्य कारण नकारात्मक सार्वजनिक प्रतिक्रिया का डर था। बता दें कि A119 प्रोजेक्ट से जुड़े दस्तावेज करीब 45 साल तक गोपनीय रखे गए थे। हालांकि अमेरिका आज तक आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। बताया जाता है कि सोवियत संघ की इस परियोजना के बारे में जानकारी मिलने के तुरंत बाद अमेरिका ने 150 देशों से एक ऐसी संधि पर हस्ताक्षर कराया जिसके मुताबिक कोई भी देश परमाणु हथियारों का चांद पर उपयोग नहीं कर सकता था। इसके बाद से आज तक ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। इसी तरह की रोचक खबरों के साथ हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए फोरसाइट टीवी।